बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ खुश आमदेद कहता है कि जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाएंगे आपके लिए और बात करेंगे उस दिन खेले जाने वाले मैच के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और उससे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि क्या जबरदस्त मैच फिनिश किया कराची से ताल्लुक रखने वाले क्वेटा ग्लैडिएटर के नौजवान बैट्समैन ख्वाजा नाफे ने और बड़ी उमदा उन्होंने बारी खेली। और हर साल जो है वो हर एडिशन के अंदर जो है क्वेटा ग्लैडिएटर से कोई ना कोई ऐसा नाम आता है कि जो अपना इंप्रेशन ना डालने में कामयाब होता है। इस साल ये लगता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए ख्वाजा नाफे ये रोल प्ले करेंगे। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, 5 विकेटों से क्वेटा ग्लैडिएटर ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी और इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और दोनों के दोनों मैचेस में उन्होंने कामयाबी हासिल की। इससे पहले उन्होंने पेशावर जलमी को शिकस्त दी थी और आज लाहौर कलंदर की एक मजबूत टीम को शिकस्त से 2-4 किया। इस पाकिस्तान सुपर लीग को हम डिस्कस करेंगे और आज हमारे पैनल में थोड़ी सी तब्दीली है। असगर अजीम साहब पाकिस्तान के शहर कराची के सीनियर सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जिनके बारे में हम रोजाना बात कर रहे होते हैं अपनी गुफ्तगू के जरिए। आखिरी तौर पर इनके फैन फॉलोइंग में भी काफी इजाफा हुआ है और बड़ी गहरी निगाह है इनकी, ना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बल्कि स्पोर्ट्स से जुड़े जो है वो हर मसले के ऊपर और हर पहलू पर जो है वो इनकी निगाह होती है। असगर अजीम साहब को हम शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे वालेकुम अस्सलाम अली भाई, एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग? हाँ बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, और आज का मैच तो माशाल्लाह अच्छा रहा, जबरदस्त मैच रहा। इनके अलावा जो जनाब जो दूसरी शख्सियत है बहुत कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं हमारे शो स्टीलर साबित होते हैं, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं और लोग चाहते ही हैं कि इनको रेगुलर बुलाया जाए, लेकिन इनका यह कहना है कि कदर खो देता है रोज का आना जाना, बहुत कम आते हैं लेकिन जब भी आते हैं अपना इंप्रेशन, जिस तरह मैं क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए कह रहा था ये भी अपना इंप्रेशन कायम करके जाते हैं। मोहसिन घीवाला साहब हम सबकी पुरजोर फरमाइश पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू। बड़ा फास्ट इंट्रोडक्शन दिया आपने, मैं खुद भी अभी कंफ्यूज हूं, इतना सफर करते हैं पूरी दुनिया में, मैंने इतनी तेज आपका सफर दे दूंगा, बस ये आपकी मोहब्बत सर जो खड़े हैं। कहां जाना हो रहा है, क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे थे आप हमें? बस थोड़ा वक्त आपको पता है जरा मसरूफियत बढ़ गई थी काम के सिलसिले में, यूरोप वगैरह के काफी ट्रैवल बढ़ गए थे, लेकिन पिछले एक महीने से कराची में, और पीएसएल के लिए तो कराची में रहना जरूरी है और खास तौर पे आपके साथ शो करने का एक मजा ही अलग है। ऑलराइट, और जनाब मोहसिन घीवाला साहब को हम बहुत मिस करते हैं, और असगर अजीम साहब, मोहसिन घीवाला साहब, ये ऐसी न्यू एंट्रीज हैं। असगर अजीम तो बहुत ज्यादा सीनियर भी हो चुके हैं लेकिन हमारे शो में रेगुलर जब से बैठ रहे हैं माशाल्लाह जो है लोग काफी इनको पसंद भी फरमा रहे हैं। आज के मैच को डिस्कस करेंगे अपने दोनों मोहसिन मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले आज के मैच में हुआ क्या, आपको मैच समरी दिखाएंगे कि जनाब आज के मैच में हुआ क्या। आपके सामने स्क्रीन पे ये मैच समरी है कि जहां पर आपने देखा कि पहले बैटिंग की दावत दी लाहौर कलंदर्स को क्वेटा ग्लैडिएटर, और यहां पर पहले बैटिंग करते हुए जनाब उन्होंने 187 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। साहबजादा फरहान ने 62 रन की इनिंग खेली और थोड़े हाथ दिखाए जहादाद खान ने, नौजवान ऑलराउंडर है, बाएं हाथ के बॉलर और बैट्समैन जबरदस्त था। उसके बाद अकील हुसैन ने 2 विकेट हासिल की और 2 विकेट मोहम्मद हसनैन के नाम रही, और जवाब में ख्वाजा नाफे की 60 रन की नॉट आउट रन की इनिंग की बदौलत मतलूबा टारगेट महज 5 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर की इब्तदाई गेंद पर हासिल करते हुए 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। सऊद शकील नाज़िक और बड़ी उमदा बारी खेली है 40 रन की। असगर अजीम भाई से आगाज करेंगे। असगर भाई सबसे पहले तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने 2 मैच के लिए दोनों जीते, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरफराज को हटाने का जो उनका फैसला था, इस तरह गुज़श्ता सीजन में हम देख रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर इस तरह से एक्सेल नहीं कर पा रही थी, यहाँ पे अब जो है वो सूदमंद साबित होता नजर आ रहा है? अब मेरा ख्याल है कि अब 2 मैच अभी हुए हैं और अभी से नतज का अखज़ कर लेना मेरा ख्याल कबल वक्त है। ठीक है, मैनेजमेंट की तब्दीली से और कप्तान की तब्दीली से क्वेटा ने इस बार जीत से आगाज़ किया है, तो देखना ही होगा कि अख्ताम कहाँ करते हैं, तो इसलिए अभी आगाज़ है, 2 मैच हुए हैं और दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है, और ख़ासकर जो इनके बीटर्स हैं उन्होंने जो परफॉर्म किया वो मैं समझता हूँ कि टारगेट को चेस करना वो बड़ी अच्छी बात होती है, और उसके लिए एक मुस्तकिल मिजाजी की भी ज़रूरत होती है और बॉल टू बॉल उसको रीड भी करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि आज के मैच में पॉजिटिव गया है क्वेटा के लिए, लेकिन लाहौर के लिए ये क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है, चूँकि लाहौर माजी में भी इसी तरीके से जो है आगाज करता रहा है पीएसएल का, लेकिन नीचे जाकर जब वो ऊपर मैचेस एंड होते होते तो लाहौर जो है वो कमबैक भी करता है। तो देखना ये कि दोनों टीमें अपनी पोजीशन बरकरार रखती हैं या कोई ब्रेक थ्रू होता है, किसी का बैट पे जाता है और किसी का गुड लगाता है। ठीक है, अच्छा मोहसिन आपने हमें ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि असगर भाई मैं इफ़ी भाई हम काफ़ी डिबेट कर चुके हैं सरफराज की एक्सक्लूजन के हवाले से, जो मैनेजर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के और मीडिया मैनेजर हैं आज़म खान, उन्होंने कहा कि चूंकि सरफराज 8 सीजन से एडिशन से कप्तानी कर रहे थे इसलिए इस दफ़ा हमने एक्सपेरिमेंट किया और सऊद शकील को इसलिए कप्तान नहीं बनाया क्योंकि वो एक्सपीरियंस देना चाह रहे थे T20 का, और मुस्तकबिल में सऊद शकील ही कप्तान होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर के। सरफराज के एक्सक्लूजन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं तो इससे बहुत एक पॉजिटिव
चेंज देखता हूँ। देखें अली, एंड ऑफ द डे T20 एक फ्रेशनेस का गेम है, ठीक है। हम जो जो बात करते हैं, जो हम पाकिस्तान की भी वो क्रिटिसाइज करते हैं कि फ्रेशनेस नहीं है, वो ही तो लगे पड़े हुए ओपन में। जब तक आप T20 में इनोवेशन फ्रेशनेस नहीं लाएंगे, ये चैलेंजेस आएगा। सरफराज ने 8 साल तक कैप्टनसी की है, 8 सीजन की है, अमेजिंग कैप्टनसी की है, नो डाउट। और सरफराज की कैप्टनसी के क्रेडेंशियल्स पे सवाल नहीं है। देखिए हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि सरफराज की कैप्टनसी खराब है इसलिए हम ड्रॉप कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा। मैं कह रहा हूं सरफराज एज कैप्टन अमेजिंग है, अभी भी अच्छा है, उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज फील्ड प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बट इट इज टाइम फॉर अ चेंज। रैली रूसो अगर स्टैंड इन कैप्टन नहीं है समझे 1-2 सीजन के लिए, आप ऑटोमेटिकली देख लें फ्रेशनेस आ गई है। एंड ऑफ द डे एज अ कैप्टन यू नो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्टिक्स ही ला सकते हैं, हर सीजन आप कोई नई टैक्टिक्स नहीं ला सकते, बिकॉज यू कैप्टन द वे यू आर एज अ पर्सन। जिस तरह से आप इंसान होते हैं उस तरह आप कैप्टन करते हैं। राली रूसो इज एन अटैकिंग मिडल ऑर्डर बैट्समैन, लेफ्ट हैंड अटैक करता है, ही विल ब्रिंग दैट अटैकिंग माइंडसेट टू द फील्ड एज वेल। देखिए पहले इनिंग्स में क्वेटा ने पहले बैटिंग की, फर्स्ट मैच में जीते, आज डिफेंड करते, आज माशाला चेस करते हुए जीते। सो यू कैन सी द फ्रेशनेस। ये जो बहुत बड़ा डिसीजन था ख्वाजा राफे का टू ब्रिंग हिम 3 एंड गेट हिम द रन एज वेल, देखिए ये बहुत बड़ा फर्क होता है। सो इवन दो हम इसको सरफराज की कैप्टनसी के खराब ना, रीजन बिहाइंड द ख्वाजा राफे इंक्लूजन एट नंबर 3 के लेफ्टी बैटिंग कर रहे थे पहले ही साउथ शकील, तो जब जैसे विकेट गिरती है तो फिर ख्वाजा राफे राइट बैटिंग की है, इट लुक्ड अमेजिंग। हम उसकी बात बाद में करेंगे, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आई थिंक ये जो चेंज किया है मैनेजमेंट का टू ब्रिंग राली रूसो इन, आई थिंक ये बहुत ही इफेक्टिव कैप्टनसी चेंज है। आई थिंक क्वार्टर ग्लैडिएटर्स को इस सीजन में ये बहुत एडवांटेज मिलेगा। बात कर रहे हैं जनाब ख्वाजा नाफे की और असगर अजीम, चूंकि आपको पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे और कराची के क्रिकेट पे बिलखसूस इनकी बड़ी गहरी निगाह होती है, इनसे जरा जानेंगे ख्वाजा नाफे के हवाले से कि ख्वाजा नाफे ने किस तरह से अपना आगाज किया और किस तरह से वो फिर इस स्टेज तक पहुंचे। अभी गुज़िश्ता जो सिंध प्रीमियर लीग खेली गई उसमें भी वो कराची गाजीज की टीम का हिस्सा थे, लेकिन साथ साथ जहाँ एक तरफ ख्वाजा नाफे को भरपूर मौका मिला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से अपने परफॉर्मेंस को शोकेस करने का एक अच्छा इनको प्लेटफॉर्म मिला, वहीं जो है पाकिस्तान भर की नौजवान लड़कियों के लिए, पाकिस्तान की नौजवान खवातीन के लिए एक बड़ा जबरदस्त जो है वो प्लेटफॉर्म मुहैया करने में कामयाब हुई है जनाब कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मकबूल तरीन जो है वो चॉकलेट है और पूरी दुनिया में जो शौक शौक से खाई जाती है। कैडबरी डेयरी मिल्क ने इससे पहले वर्ल्ड कप में और भी ये डिसीजन लिया था और ये एक उन्होंने फैसला लिया था कि पाकिस्तान ने वेमेन क्रिकेट को जो है वो फ्लरिश करना है, वेमेन को एम्पावरमेंट करना है। पाकिस्तान का 51% जो है वो वेमेन पर मुश्तमिल है और ये वो तबका है जो शायद हमेशा से बड़ा नेगलेक्टेड रहा है। इसी वजह से कैडबरी डेयरी मिल्क ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की जो नौजवान खवातीन हैं जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उनको क्रिकेट में आगे लेकर आए, वो जो इक्विपमेंट नहीं खरीद सकती हैं उनको इक्विपमेंट दिलाने की कोशिश करें, उनको ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश करें। यही वजह है कि वर्ल्ड कप में जो इनिशिएटिव लिया गया था उससे 50 लड़कियों को जो है वो स्पॉन्सरशिप मिला, जिससे वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं, ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, उनको क्रिकेट के गेयर्स इक्विपमेंट फराहम किए गए और उनको हर वो मुमकिन सहूलत फराहम की गई है कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से कि जो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लाने में मददगार और माविन साबित हो सकती है। और यही जो मौजिब बना इस बात का कि इस सिलसिले को जो है वो मजीद इन्हांस किया जाए। और अब कैडबरी डेयरी मिल्क ने फैसला किया है इस पाकिस्तान सुपर लीग में कि जनाब हर 100 रन के ऊपर जो है वो स्पॉन्सरशिप दी जाएगी इन नौजवान बच्चियों को, इन नौजवान खवातीन को, कि वो अब खेलें, आप क्रिकेट में अपने टैलेंट को शोकेस करें। और करना उसके लिए कुछ भी नहीं है, करना सिर्फ यह है कि www.cadburypakistan.com पे जाएं, अपना रजिस्टर्ड करवाएं, अपने कवाइफ वहां पे रजिस्टर्ड करवाएं और उसके बाद जो है वो इस स्पॉन्सरशिप की लिस्ट में शामिल हो जाएं। और उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव से कैडबरी डेयरी मिल्क का जो इनिशिएटिव है इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान को नया और नौजवान टैलेंट दस्तयाब होगा और पाकिस्तान को नई सनाबीर, उरूज मुमताज और मरीना इकबाल जैसी प्लेयर, नैन अब्दी जैसी प्लेयर, जो है निदा डार जैसी प्लेयर इस कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से जो स्पॉन्सरशिप है, जो ये इनिशिएटिव लिया गया इससे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में दस्तयाब हो सकेंगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे ख्वाजा नाफे की।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्वेटा ग्लेडिएटर की शानदार परफॉर्मेंस को, और आज जो क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए ख्वाजा नाफे ने परफॉर्मेंस दिए उसको हम अब डिस्कस करेंगे। असगर अजीम साहब ऐसे बात करेंगे जरा ख्वाजा नाफे के हवाले से। एक यंग टैलेंट है, रमजान क्रिकेट में हमने देखा, आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए, और जी टी वी जिस तरह से हमेशा से जो है वो मीडिया पार्टनर होती है, तो जो कश्मीर प्रीमियर लीग खेली जा रही थी उस कश्मीर प्रीमियर लीग में भी जो जी टी वी की सपोर्टेड टीम थी ओवरसीज वॉरियर्स उसका हिस्सा थे ख्वाजा नाफे। और अभी हम देख रहे हैं सिंध प्रीमियर लीग में अच्छा खेले कराची गाजीज के लिए, और आज जो उन्होंने बैटिंग की तो काफी आगे ले जाएगी उनको। देखिए अली भाई, ख्वाजा नाफे में शुरू से ये चीज नजर आई है कि वो नेचुरल टैलेंट है उनके अंदर, और जो कॉन्फिडेंस है उनका, वही कॉन्फिडेंस और टैलेंट उनको लेकर गया था कश्मीर प्रीमियर लीग में। वो और बात है कि उनको वहाँ पे वो मौका नहीं मिला, लेकिन फिर उन्होंने बांग्लादेश लीग को ज्वाइन किया और चिटागोंग से उन्होंने खेलना किया, और खलना के खिलाफ उन्होंने उसका डेब्यू किया, और वो उनका T20 का डेब्यू था। उसके बाद वो थोड़े से बैक हो गए थे, लेकिन मैं क्वेटा ग्लेडिएटर्स की मैनेजमेंट को ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने उसको सेलेक्ट किया, उसको अपनी टीम में शामिल किया, उसको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग के लिए रखा। और आपने देखा कितनी शानदार इनिंग उसने खेली है वन डाउन आकर, और जो उसके औसत रही है। असल में तो ये देखा जाता है कि एक तो नया बैट्समैन हो, 22 साल का नौजवान है, और फिर उसके साथ ये देखा जाता है कि उसमें T20 मिजाज है या नहीं। तो उसने ये साबित किया कि वो T20 का एक प्योर नेचुरल प्लेयर है। अगर उसको मुस्तकिल मौके दिए जाएंगे तो ख्वाजा नाफे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा इजाफा साबित हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेटा ग्लेडिएटर की इस तरह मैंने पहले बात की, हर सीजन में मोहसिन वो एक ना एक ब्लास्टर देते हैं। अगर हम शुरू से बात करते हैं, पहले आजम खान, उस वक्त आजम खान को कोई नहीं जानता था, नदीम उमर ने उस वक्त कहा कि अगर ये बैटिंग करेगा तो लोग क्रिस गेल को भूल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने इस बात को जो है वो मजाक का निशाना भी बनाया, और आज सब जानते हैं आजम खान कितना बड़ा ब्लास्टर है। फिर एहसान अली आए, फिर उसके बाद हमने देखा अगले चंद सीजन के अंदर साहिब अय्यूब आए, और अब उन्होंने एक सरप्राइज दिया ख्वाजा नाफे की सरप्राइज भी नहीं हसनैन। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं, जो ब्लास्टर बैट्समैन उन्होंने दिए उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब ख्वाजा नाफे आए, देखिए आई थिंक इसका बहुत बड़ा क्रेडिट नदीम भाई को जाता है, नदीम उमर साहब जो खुद टैलेंट स्पॉटिंग करते हैं, खुद क्रिकेट भी खेले हुए हैं इनके साथ, ऑब्वियसली एज अ मेंटोर एज अ नर्चरर उनको शौक भी है, सो वी कैन सी कि उनकी आय इस चीजों के लिए अच्छी है। ठीक है, बिकॉज लगातार एक ना एक अच्छा टैलेंट निकालना चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में, तो हम इसको देख रहे हैं। आज जो नाफे ने बैटिंग की है, सबसे अच्छी बात उसकी लगी थी कि वो विकेट पे कितना स्टिल था। देखें अगर आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस पीछे बहुत बड़े रन नहीं है, नया नया खेला हुआ है, लाहौर के खिलाफ खेल रहा है, लाहौर में खेल रहा है, वन डाउन खेल रहा है, अच्छा रीजनेबल स्कोर चेस कर रहा है अगेंस्ट वेरी इंटरनेशनल बोलिंग लाइन। आई मीन शाहिन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, ये कोई हल्के बॉलर नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के बॉलर है, कुछ भी कहें। उस लेवल पे इतना कंपोज्ड बैटिंग करना, खास तौर पे इतना स्टिल रहा है कि जिस तरह वो कॉन्फिडेंटली बैट स्पीड दिखा रहा था, जिस तरह से वो स्ट्रेट बैट से खेल रहा था T20 में, देखिए बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे अच्छी बात मुझे आज लगी अली, स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे तो ये जादाद खान और जो नाफे हैं, ये दोनों यंग प्लेयर्स हैं, ये वो ब्रीड ऑफ प्लेयर्स हैं जो कोई शैकल्स के साथ नहीं आए, कोई दिमाग में कोई पुराने जो एक वो होता है कि जी 120 का स्ट्राइक रेट ले लो काफी है, अब गेम 120 की स्ट्राइक रेट की रही नहीं है, ये स्ट्राइक रेट 175 प्लस की रही, यानी कि 180-200 का स्ट्राइक रेट इज नॉर्मल। आप कहते हैं जी वो बाबर आजम फंसे हुए थे, वो फंसे हुए थे 130 का स्ट्राइक रेट करके, अब वो गेम ओवर हो गई। अब T20 इज ऑल अबाउट 175 की स्ट्राइक की बात करते हैं, 120 130 गिना रहे थे। उस वक्त मुझे वो शख्स याद आ रहा था जो उस वक्त अपने घर में बैठा होगा, और उस वक्त वो अपने नशे से जो दो दो फीट ऊपर हो खुशी के मारे चल रहा होगा। जब अगर वो इस दौर में होते तो ना सिर्फ पाकिस्तान की मुख्तलिफ लीग्स में बल्कि दुनिया में जो लीग्स खेली जा रही है उसमें हॉट केक के तौर पर लिए जाते, क्योंकि उस दौर में वो इस ब्रांड की क्रिकेट खेलते थे जो इस दौर में खेली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से टेलीफोन कॉल पर मौजूद है साजिद खान साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम, ग्रेट अली सुरान भाई, आपको ग्रेट असगर असगर अजीम भाई को और मोहसिन भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम, हम सबकी जानिब से साजिद भाई एक ब्लास्टर बैट्समैन की बात कर रहे हैं, मैं सरफासी कैप्टनसी पे आऊंगा आपसे बात करूंगा, लेकिन आप खुद इस अंदाज से क्रिकेट खेलते थे उस दौर में, कैसा आप फील कर रहे हैं कि नौजवान के लिए आना और आके इस तरह परफॉर्म करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? आसान इस सेंस में कि उस पर लोगों ने वीडियो एनालिस्ट इतना काम किया नहीं होता, और मुश्किल इसलिए कि जिस तरह मोहसिन घीवाला ने भी कहा कि हारिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के सामने उसने ये परफॉर्मेंस दी।
मोहसिन जी वाले ने बात की, असगर अजीम बात की, अली सलमान आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर में ब्राइट फ्यूचर है इस नौजवान क्रिकेटर का। और जिस तरह किस्म की बात की जाए उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, खासतौर पर वो उनके ऑनर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, जितना उन्होंने आज जिस तरह इस बच्चे को क्रिकेट प्रिक किया, उस बच्चे ने जिस तरह इनिंग खेली है, ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग जो नवा एडिशन खेला जा रहा है, यहाँ पर उसकी जितनी भी तारीफ की है, बॉल और बैट के दरमियान शैन के आफ्रीदी की बात करो, जबान की बात करो, आर्च की बात करो, एक अच्छी लाहौर के प्रेशर में, लाहौर के होम टाउन में जो दो दफा अभी चैंपियन हो और इस तरह की इनिंग खेले, तो मैं ये समझता हूँ नदी उमर साहब को बहुत ही बहुत मुबारक हो और ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हम इसके होप रखते हैं। मगर अली सलमान साहब, असगर भाई और भाई, सवाल ये पैदा होता है जो कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने तो सफराज का कैरियर ही खत्म कर दिया, साबिक कप्तान है वकार यूसुफ साहब, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया है और एक प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन फंसाई है, खुदा का खौफ करो वकार यूसुफ साहब, अभी बच्चे ने एक ही मैच खेला है और आप पहले भी सफराज को 2015 में पसंद नहीं करते थे, आज 2024 आ गया, वही के वही खेल रहे हो यार भाई, अब बच्चों को खेलने तो दो, हमने उसकी कैरियर की, उसकी क्रिकेट की शुरुआत की तारीफ करी, आप ये कह रहे हैं सुप्रभात की जगह को विकेट कीपर बैट्समैन उतार दो, यार क्या कह रहे हो यार। ठीक है, अच्छा अभी आप सरफराज बात कर रहे हैं, हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है ख्वाजा नाफे को इस स्टेज तक लाने में, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, वकार अली सैयद जो खुद भी क्लब के बड़े जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको बहुत क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत प्रमोट किया है ख्वाजा नाफे को, उनकी वीडियोज जो है वो फेसबुक पर डाली, और साथ साथ जो उनके कोच हैं लियाकत कोच जो है जो अभी कराची गाजीज के साथ भी मुंसलिक थे, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस स्टेज तक ख्वाजा नाफे को पहुंचाने में। ये जो सरफराज की कैप्टनसी के हवाले से बात हो रही थी, हमने भी शोज में डिस्कस किया, अब दो जो मैचेस में, दोनों मैचेस में रायले रोसो को बतौर कप्तान आपने कैसा पाया, ये फैसला सही था कप्तानी से हटाने का सरफराज को? देखिए अली सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, पाकिस्तान की दबे एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग गैर मियारी कप्तानी, शदाब की बात करूं, शदाब की बात करूं, शाहीन शाह आफरीदी की बात करूं, बाबर की बात करूं या शान मसूद की बात करूं, जो जितने भी कप्तानी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रंट से लीड करना, पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफा हुआ है मुझे कोई भी कप्तान फ्रंट से लीड करते हुए नहीं आ रहा, जो मैचेस हो गए उसमें कप्तानी शान मसूद बैक फायर कर गए, जिन्होंने कप्तानी की, बाबर ने जो कप्तानी की बैक फायर कर गया, उन्होंने पूरा स्पिनर के बगल हो किया, फिर आसिफ को बैटिंग करने नहीं देता, फिर शाहीन शाह आफरीदी के भाई जो आज कप्तानी नजर आई दो मैच में, उस तरह की कप्तानी नहीं की, फिर शदाब ने जिस तरह की कप्तानी की और नसीम ने भाई को। ठीक है साहिद भाई, हम बात करें कप्तानी के वाले से, अब थोड़ा सा शाहीन के शाहीन की कप्तानी पे असगर भाई क्या कहेंगे, क्योंकि दो मैचेस कहने हैं, दोनों के दोनों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है लाहौर कलंदर्स को। देखिए शाहीन की कप्तानी से पहले क्वेटा के कप्तान जो है वो एज ए कप्तान तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एज ए अपनी जिम्मेदारी जो उनकी है एज ए बीटर की, और तो वो मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा वहाँ वीक है और उनको वो कवर करने की ज़रूरत है। अगर आपको कप्तान बना के सिखाना ही है तो फिर ये तो खुदकुशी होगी क्वेटा के लिए भी, उनको चाहिए कि अपनी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करें, चूँकि वो पहली बार कप्तान बने, इससे पहले उनको कप्तानी का कोई तजर्बा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक रिस्क भी लिया है क्वेटा ने, और उस इसको मैंने दोनों मैचों में ये देखा है कि एज ए कप्तान तो वो चले हैं और वो सरफराज भी एज ए कप्तान चलते थे, लेकिन एज ए बैटर जब वो नाकाम हुए हैं, सरफराज के साथ भी यही सिचुएशन थी और आज भी यही सिचुएशन रही थी, गो के आज उनको पांचवें नंबर पे भेजा गया था लेकिन वो नहीं खेल पाए, लेकिन सरफराज अगर मिलने वाले मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो ये वकार यूनुस जैसे लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि ये अब तक 11 साल पहले वाले माइंडसेट में बैठे हुए हैं, इनका अपना एक एजेंडा है और अगेंस्ट कराची वो एजेंडा लेके उस वक्त भी चलते थे। ये वही वकार यूनुस से साहिब भाई बात करें कि जब ये ओपन की बात ही तो हो जाएगा, मुझे तो पता नहीं सरफराज ओपन करता है, हालांकि वो वर्ल्ड कप में ओपन कर चुका था वो, लेकिन वकार यूनुस को नहीं याद था भाई। अली बात वही है कि जब दिल में आप बुग्ज रख लें किसी के खिलाफ तो भर उसको सिर्फ अल्लाह ही निकाल सकता है, वरना किसी और के बस की बात नहीं होती। सरफराज वकार एक बड़े बॉलर हैं, बड़ा नाम है हमारे यहाँ, ये दोनों डब्ल्यू बहुत ज़्यादा फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन जितना बड़ा इंसान होता है उसको उतनी ही बड़ी सोच भी रखनी पड़ती है, और फिर खास के जो टैलेंट होता है उसको वॉच करके उसको राइट टाइम राइट जॉब देनी पड़ती है, लेकिन वकार में ये सलाहियत नहीं है, यही वजह है कि वो बॉलिंग कोच बने तो नाकाम हुए, वो
हेड कोच बने तो नाकाम हुए, फिर उनको जो है ना इंतहाई जो है रुसवाई के तरीके से निकाला भी गया। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी जिंदगी से सीखने के लिए ये तजर्बात काफी होते हैं और वो बस कर दें। अगर उनका भाई बाहर से आके या कमेंट्री कर रहा है तो वो भी पर्ची पे तो कर रहा है, वो कौन सा अपने टैलेंट पे कर रहा है, अपनी बात तो वो पूरी करते नहीं है, दूसरों पे उंगली उठा रहे होते हैं। तो ये सब जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक जमाने से चल रहा है और जहां तक मुझे याद पड़ता है इसकी बुनियाद इंतखाब आलम ने रखी थी, जिन्होंने जावेद मियांदाद के साथ जो सिलसिला शुरू किया था, फिर वो आगे पीछे चलता ही चला आ रहा है। फिर एक शदीद गर्मी में ट्रायल मैच करा दिए थे जावेद मियांदाद के। अच्छा, हम बात करते शाहीन की, क्विकली मुझे बताइएगा जरा मोहसिन, कि हम बात करते हैं जो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी है, कलंदर के लिए बतौर कैप्टन आपको लग रहा है कि उस तरह से परफॉर्म कर पाए? देखिए, एक तो हिस्टोरिकल डेटा उनके साथ है, उन्होंने दो टूर्नामेंट्स जितवाए, ठीक है, तो इसको आप, इस फैक्ट को आप हटा नहीं सकते। देखें, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे जो कैप्टन होते हैं वो उनके लिए खुद की परफॉर्मेंस अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लीड करते हैं इंस्पिरेशनली। अगर वो बहुत अच्छे ऑन द फील्ड टैक्टिकल कप्तान अगर नहीं भी हैं, बट चूंकि इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो अपने इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इस जैसे कैप्टन जब खुद अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो ऑटोमेटिकली टीम डाउन हो जाती है, बिकॉज ये टीम के स्टार प्लेयर्स होते हैं। जिस तरह से स्टार प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करता ये पूरी टीम को लेके बैठ जाता है, और अगर स्टार प्लेयर कप्तान हो और परफॉर्म ना करे तो बिल्कुल ही पूरी टीम लाइक इट डाउन हो जाती है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइक ए टाइगर इन द हंट, इसकी मिसाल कायम करनी चाहिए जो भी कप्तान, उसको परफॉर्मेंस है। देखिए, हमारे साथ तीनों मौजूद मेहमान मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद भी मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन कॉल पर साजिद खान साहब, और स्टूडियो में मौजूद थे मोहसिन घीवाला साहब और असगर अजीम साहब। साहब, हम बात करते हैं क्विटा ग्लेडिएटर के हवाले से, कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे, और आपने कहा कि वकार यूनुस जो है उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा कि प्लेयर अच्छा मिल गया, तो तारीफ ही तो की उन्होंने, क्या बुरा कहा उन्होंने? यार अली सलमान, असगर अजीम, मोहसिन भाई, आप ये हमने भी तारीफ की ना बच्चे की, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग अपकमिंग, फ्यूचर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान सुपर लीग में नवे एडिशनल्स को मौका मिला है, मगर ये ना कहो ना सरफराज को ड्रॉप कर दो और इसको खिला दो विकेट कीपर बैट्समैन, मेरा मौका आप पूरा सुने हैं, मगर ये कब तक ये करेंगे यार, कब तक इस तरह की करेंगे? देखिये, सरफराज का नेमल बदल नहीं है, मेरा मौका वही का वही खड़ा है जिस तरह आप ब्रेक पे गए थे। सरफराज पाकिस्तान का स्टार क्रिकेटर है, स्टार कप्तान है, दूसरे कप्तानी करी डेब्यू ऑफ टीम फॉर ऑफ लीडिंग पाकिस्तान, तो आज भी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा, किसी ने भी कप्तानी फ्रंटियर लीग नहीं की। लेकिन आप नहीं समझते, आप नहीं समझते कि जिस सिचुएशन में आज सरफराज आउट हुए हैं, ख्वाजा नाफे उनके साथ खड़े हुए थे, अगर यहाँ पे सरफराज इस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे तो लोगों को तो तनकीद करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, खेल का हिस्सा है, सरफराज यकीन तो ओवर 11 रन पे आउट हो गए, और मेरी भी होप थी आज सरफराज जो नासिर बेबी के लिए, सरफराज ही नहीं खेलता एज ए सीनियर प्रो, पाकिस्तान सुपर लीग में नवाटी से डर आज दफा कप्तानी करी, तो हम भी ये होप लगाते, मगर आउट हो जाता है, आउट होने के बाद अब तोपो का रुख सरफराज की तरफ ना करे, मौका भी ये होता है बैलेंस कमेंट्री करें, और आप बेखुद कमेंट्री करते हैं, और मैं दोबारा ये बात करूंगा, कमेंट्री पैनल में तासुबंदी नहीं होना चाहिए, लाइटिंग डिसाइडिंग नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें पाकिस्तान सुपर लीग में जहां मैच रेफरी की बात आती है, ये तासुबंदी है, ग्रुप बंदियां नहीं होनी चाहिए, जो मेरिट करे उसको कमेंट्री में भी आना चाहिए, जो ग्राउंड में अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात हो रही है, मैंने कप्तानी का नुक्ता आपके लिए उठाया है, पाकिस्तान सुपर लीग जितने भी कप्तान है उन्होंने कप्तानी भाई बर्थ कप्तानी नहीं करी है, फ्रंट से लीड नहीं करी है, आज जितने आज तक मैच हुए, मैंने जितने शान की बात करी, शदाब की बात, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, क्या बाबर की बात करूं, वो कप्तानी में डिसीजन ही नहीं ले पा रहे जिस तरह कप्तान पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, कल के चलिए तो कप्तानी की बात हो गई ना साहिद भाई, ये बताएंगे अब ये कराची किंग की जो टीम है इसमें आपको लगता है कि इस दफा कोई टाइटल जीतने के लिए थोड़ा सा इन्होंने एक अच्छा स्क्वाड बनाया है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस को इन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत दी है, शान मसूद की बात करें, शोएब मलिक की बात कर लेंगे, और इनके दीगर प्लेयर की बात करें, एक्सपीरियंस ज्यादा है, ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर इनके पास शायद नहीं है।
देखिए कराची किंग बैकफायर कर गया है एक्सपीरियंस के साथ साथ नहीं जाते, उनकी टीम मैनेजर उनके ऑनर को सोचना चाहिए था। अगर हेड कोच की बात की जाए वहां वो उस समय की उनकी एक्सपीरियंस नहीं है। शान मसूद की बात करूं, शोएब अली को मैच फिनिश करना चाहिए था। जो कराची मैच हारी है वो मैच हारने वाला नहीं था, मैच जीतने वाला था। और जहां शान मसूद की बात करें, शान मसूद ने भी कप्तानी उस तरह की शान मसूद को मैच फिनिश करना चाहिए। साथ में टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसको पूरा मौका देना चाहिए। मगर मैनेजमेंट और कप्तान, आप ये बताइए नवाज को क्या ओवर दिया, एक ओवर दिया है, ये कप्तान ही होती है, ये आप किसी को लेके आते हैं इस तरह खिलाते हैं। कराची किंग की मैनेजमेंट यकीनी तौर पर सवाल निशान बन के सामने आई है और एक मैच में मुझे नजर नहीं आ रही टीम सिलेक्शन सही नहीं है। ठीक है साहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से टेलीफोन कॉल पर, थैंक यू सो मच साहिद भाई, आप हमारे साथ इस शो का हिस्सा बने। सब ब्रेक लेंगे तो मजीद बात करेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं उस मैच को जहां पे आज क्वेटा की टीम ने 5 विकेटों से लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी हासिल की। मुसलसल दूसरा मैच और मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इस वक्त जो है जिंदा दलान लाहौर की क्या कैफियत है ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे खसूसी इमरान लतीफ से, जो इस वक्त कद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और हमें आगाह कर रहे हैं कि जनाब वहां पे जो लोग हैं लाहौर कलंदर के जो फैन हैं वो इस 2 शिकस्तों के बाद क्या सोच रहे हैं। इमरान, क्या इस वक्त माहौल है, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि इस वक्त आप फैमिलीज के साथ वहां पर मौजूद, और जरा बात करवाइएगा हमारी फैमिली से कि क्या इस सोच है इन 2 मैचेस के हारने के बाद। बिल्कुल अली सलमान, आज भी एक अहम मुकाबला था, मैच था लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। एक मरतबा फिर लाहौर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज लाहौर की परफॉर्मेंस के हवाले से आप? लाहौर की परफॉर्मेंस हमेशा वो कोशिश करते हैं बेस्ट करने की, करते भी हैं, लेकिन वो एट दी एंड बेचारे हार जाते हैं, पता नहीं उनकी क्यों इतनी हारी हुई है। क्यों लाहौर की किस्मत हारी हुई है, बच्चों से बात करते हैं, कैसा लगा आज का मैच आपको? आई एम फील सो गुड एंड लाहौर बैटिंग सो गुड एंड बच्चों का कहना है लाहौर की बैटिंग अच्छी थी, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा आज का मैच आपको? अच्छा था, लेकिन लाहौर जो हारा है दुख है। शाहीन को क्या कहते हैं, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए थी, उसने पिछला इस्लामाबाद से भी हारा जो कि हम जीत सकते थे, और ये भी जीत सकता था अगर थोड़ा टारगेट वो सही बना लेता। और इस तरह से देखते हैं क्वेटा की परफॉर्मेंस को आप? क्वेटा देखें, जब भी एज ए टीम आप खेलेंगे ना तो तब आप जीत सकते हैं, अगर आप शायद में भी शायद आप कोई एक दो मैच आप लूज भी कर दें, पर जब आपको आपके सारे प्लेयर को कॉन्फिडेंस होगा, उनको इस पोजीशन का पता होगा, अपने रोल्स का पता होगा, तो हर कोई अपने रोल के मुताबिक खेलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम पीछे रह सकती। उस हवाले से क्वेटा की टीम मैनेजमेंट और मैं स्पेशली शेन वॉटसन और शॉन टेट को देख रहा था कि कैसे वो पूरे फोकस होकर अपनी टीम के साथ जेल थे और उनकी सारी अपनी टीम के साथ थी, तो ये एक अच्छी चीज़ एक मिली इसमें कि फॉरेन कोचेस भी आए हैं, वो भी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं हर हवाले से, पर ये है कि उसमें मैनेजमेंट का अपना रोल होता है, और मुझे कोई एज सच कोई उस हिसाब से कोई कैमरा फोकस भी हुआ है, पर कभी उनके प्लेयर्स कोई मैनेजमेंट की तरफ से उस तरह नहीं आई। तो ऑल द शायकीन क्रिकेट का कहना कि क्वेटा की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस पेश की गई, इसके साथ साथ खासी उम्मीदें थी शायकीन क्रिकेट को लाहौर की टीम से, खासतौर पर शाहीन अफरीदी से और दीगर बॉलर से, मगर एक मरतबा फिर लाहौर की टीम को आज फिर नाकामी का सामना करना पड़ा है। जी थैंक यू सो मच इमरान लतीफ, हमें आगाह कर रहे थे फैमिलीज मौजूद थी और थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी फैमिलीज लाहौर कलंदर के इस परफॉर्मेंस से। क्या लगता है मोहसिन के जो लाहौर कलंदर है हमेशा से जो है वो स्लो स्टार्टर रहे, और जिस तरह डीजल इंजन के लिए कहा जाता है थोड़ा देर में गर्म होता है, लाहौर कलंदर भी लाइक डीजल इंजन ही है? हाँ नहीं, आई मीन पुराना देखेंगे तो यही समझ में आएगा, जब बिल्कुल ही बाहर हो जाते थे लगता था पता नहीं कौन सी टीम आ गई है, कैसे खेलने आ गए। ये लास्ट 2 सीजन में देखें चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस भी रहते, जो कि एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस की बिल्डअप हो गया। आई थिंक ये भी डिसअपॉइंटमेंट का बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि लाहौर कलंदर चूंकि लास्ट 2 एडिशंस जीते हुए हैं, एज फैंस जो होते हैं स्पेक्टेटर्स होते हैं होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं यार वो कंटिन्यू करें, शाहीन अफरीदी बहुत बड़े स्टार हैं, वेल लाइक्ड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेशली इन पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटमेंट तो होगी इनको। आई थिंक इनकी उम्मीदें ज्यादा वापस आती, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि पीएसएल अभी स्टार्ट हुआ है, उनको पुराने पीएसएल भी याद है कि जहां पर नो लाहौर शुरू में बिल्कुल ही पैदल था, उसके बाद आके जीत गया था, तो आई थिंक उम्मीदें तो होंगी। आई थिंक अभी भी टूर्नामेंट में बहुत जल्दी है, बट इनिशियल साइंस जो है वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है लाहौर के लिए। ठीक है, अगर आपको क्या लगता है कि जो प्रॉब्लम आपको क्या इनकी बैटिंग में नजर आती है या इनकी आपको बॉलिंग के अंदर प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि रियाज आफरीदी को इन्होंने इस मरतबा बॉलिंग कंसल्टेंट भी रखा है?
देखिए सलमान, मुझे तो कप्तान की अप्रोच में प्रॉब्लम नज़र आती है। पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे कप्तानी लेने के लिए पाकिस्तान टीम की, अब वो कप्तानी बचाने के लिए कर रहे हैं। तो जो उन्होंने लाहौर के लिए परफॉर्म किया था वो एक जुनून था, वो एक सोच थी, एक टारगेट था उनके पास कि मैं इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम की जो है क्यादत लूँ। वो उन्होंने ले ली, किसी भी तरीके से ली हो, भले वो खान साहब के कहने पर ली, लेकिन ले ली उन्होंने। लेकिन अब उनके पास चैलेंज उनका ये है कि उस कप्तानी को बरकरार कैसे रखें, क्योंकि अगर वो लाहौर कलंदर से लूज करते हैं, उसकी टीम लूज करती है, दो वक्त टाइटल विनर है वो, तो फिर इसका असर इनके माइंडसेट पे आएगा और फिर इसका असर नेशनल टीम पे देखने को मिलेगा। मैं तो आपको क्या लगता है कि शाहिद शाह अफरीदी अगर यहाँ खुदा न करे लाहौर कलंदर को टाइटल नहीं जितवा सकते, जो T20 वर्ल्ड कप अपकमिंग है, जो नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर असाइनमेंट है, उसमें इनकी कप्तानी जा सकती है? नहीं, कप्तानी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं जाने वाली, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर आएगा। और जो एक क्लिक चीज़ होती है कि कप्तान को किस वक्त क्या फैसला करना है और किस वक्त जो है उसने क्या एंगल लेना है, तो वहाँ थोड़ा सा इसको जो है ये मेरा ख्याल है माइनस होंगे और इनको फिर जो है ना एक ज़रूरत पड़ेगी कि इनको बैक किया जाए और उनको पूरी टीम मिलकर सपोर्ट करे, क्योंकि इस वक्त शाहीन आफरीदी का जो है एज ए कैप्टन रोल प्ले करना उनके फ्यूचर के लिए बहुत अहम है और हमारे फ्यूचर के लिए भी इसलिए अहम है कि हमें वर्ल्ड कप में जाना है। ठीक है, वर्ल्ड कप में जाना है। और जो फ्यूचर की बात हो रही, तो फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात भी कर लेते हैं। और कल जनाब जो फ्यूचर है वो है जनाब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। मोहसिन, दोनों ही टीमें जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइज हैं, दोनों ही टीमें बैलेंस हैं, क्या लगता है आपको कल किस टीम को ज्यादा एडवांटेज हासिल होगा? देखिए, होम ग्राउंड मुल्तान का है, जब मुल्तान में मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली मुल्तान एक सर्टेन एज लेके जाएगा। पहला मैच मुल्तान ने कराची को मारा है 50 रन से, जो उन्होंने 180 पे वो किया था। इस्लामाबाद ने बहुत बड़ी चेस की थी और बहुत सुकून से की थी उन्होंने 200 रन की चेस। तो इस्लामाबाद का जो विन था स्पेशली बैटिंग सेकंड, वो एक अलग हाई पर है। आई थिंक ऑन द अगर आप पेपर पे बैलेंस देखेंगे तो इस्लामाबाद मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है। हालांकि मुल्तान सुल्तान ऑलवेज बड़ी अग्रेसिव आती है, बड़ी एज ए बैलेंस टीम आती है, लेकिन पिछले दो मैचों में जो मैंने देखा है, जिस तरह से मैंने इस्लामाबाद के प्लेयर्स को देखा है, और शादाब खान देखिए बहुत बड़ा फैक्टर है, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान ये दो इंस्पिरेशनल कैप्टन हैं जो वाकई में अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी टीम को ऊपर लेके जाते हैं। सो मेरे लिए कल का जो बैटल है वो है शादाब वर्सेस मोहम्मद रिजवान, जो अपनी टीम को ज्यादा उठा पाएगा वो कल का मैच लेके जाएगा। लगता है इस्लामाबाद जो एक ऐसी टीम है जो डेटा पे ज्यादा जो है वो रिसर्च पे, डेटा पे एनालिसिस के ऊपर ज्यादा जो है वो रिलाय करती है, क्योंकि उनके जो डेटा के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट ने भी उनकी खिदमत हासिल की, जबकि जो मुल्तान सुल्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो कोचिंग के ऊपर करती है ज्यादा। और अभी आप देखें उन्होंने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक उन्होंने स्टेप लिया है कि जो उनका बॉलिंग कंसल्टेंट है वो फीमेल क्रिकेटर है और फीमेल कोच उन्होंने रखी है। बिल्कुल सही, देखिए एक तो बहुत ही खुशायन बात है कि उन्होंने फीमेल क्रिकेटर को लाके जो टैबू ब्रेक किया है स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में कि जी फीमेल क्रिकेटर नहीं आ सकते आगे, उनको लेके आए हैं और ये टैबू ब्रेक करना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट दिखाते हैं, खुशायन बात है। ठीक है, इस्लामाबाद बेस्ड ऑन डेटा है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो काफी साइंटिफिक है। आपने शुरू में देखा था जब डीन जोन्स इनके साथ थे, मिसबा थे, उस वक्त जो शुरू में टाइटल भी जीते थे, उनका हमेशा से जो एक सोचने वाला तरीका है अपनी टीम को लीड करने का, अपनी टीम की डायनामिक्स बनाने का। इसीलिए इस्लामाबाद जैसी टीम्स इन द लॉन्गर टर्म, अभी शायद एक आध मैच आगे पीछे हो जाए, लेकिन लॉन्गर टर्म में आप इस्लामाबाद की टीम को हमेशा बैक करोगे, बिकॉज वो उन नंबर्स पे, उन डेटा पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही, नंबर से बात करते हो, क्रिकेट बोर्ड में क्या नंबर चल रहे हैं, इनसाइड तो बताएंगे थोड़ी। क्रिकेट बोर्ड में नंबर ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत कर दिया गया है, जो ज़राए बता रहे हैं कि काबीना ने इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी है, और जो आईपी मिनिस्टर थे बैनु सुबाई राबता के सेक्रेटरी, उनका भी अब गवर्निंग बोर्ड से उनकी छुट्टी की जा रही है और हो सकता है कि कल या परसों उनके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म ऑफिस को जवाबदेह होगी, और इसमें खदशा सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सियासी मुदाखलत मजीद बढ़ जाए। ठीक है, इसमें सियासी मुदाखलत कहीं मजीद बढ़ जाए। थैंक यू सो मच असगर अज़ीम, थैंक यू सो मच मोहसिन गीवाला साहब, आज के शो को आपने रौनक बख्शी। और जैसा कि आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स की जब भी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है तो हमारे मुख्तलिफ जो गेस्ट हैं वो हमारे इस पैनल को सजाते हैं, और आप देख रहे हैं कि असगर अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन गीवाला ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन हमारे और मौजूद हैं पैनलिस्ट हैं जो इस वक्त तक ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में मौजूद हैं, अपनी बारी के मुंतजर हैं। इंशाल्लाह कल आप उनको इन एक्शन हमारे साथ इसी मंच पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी स्टूडियो में देख सकेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।